मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। और कल मेरा व्लॉग स्किप हो गया था, रीज़न भी कि ना मैं थोड़ा थकी नहीं थी, बट यू नो लगातार ना ऐसे काम कर करके ना थोड़ा इंसान होता है मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है, तो लगता है ना बस थोड़ा सा खुद के लिए ब्रेक ले लो। तो मैंने बस वही वाला कल ब्रेक ले लिया था। और इन द मीनवाइल कल फ्री भी बैठी थी, तो ढेर सारे जो है ना अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह मैंने कर लिए थे। और बस वही है, मैं आज उठी तो पूरा अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग वगैरह कर ली, क्योंकि एक दिन का ब्रेक लिया। फिर मैं इतनी अच्छी एनर्जी ना ऐसे क्या बोलते हैं एकदम रेडी हो गई थी। होता है कभी कभी जैसे अपना कंप्यूटर ही हम यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर को भी कभी कभी यू नो ऐसे थोड़े टाइम के लिए ऑफ करके रख देना पड़ता है, तो हम लोग तो इंसान ही है, तो वही बात है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कॉफ़ी मिक्स रेडी कर लिया है, सुबह से काम किया तो अभी टाइम एक अच्छी सी कॉफ़ी का, तो यहाँ कॉफ़ी मिक्स रेडी हो गया, दूध गर्म हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना आज मैं अलग टाइप की पराठे बनाने की सोच रही हूँ, गोभी के पराठे बनाऊँगी, गोभी स्टफ्ड पराठे। तो मैंने गोभी सारा जो ग्रेट कर लिया है, और ये देखिए ये मैंने आटा ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, अजवाइन ये सब मैंने डाल लिया है। ये अपना आटा है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने लौकी को पूरा लौकी ग्रेट कर लिया है, मैं इसी में आटा सानूंगी, मतलब आटा लगाऊंगी। जनरली लौकी का जो मिडिल वाला पार्ट होता है ना उसको नहीं ग्रेट करते लोग, बट मैंने सोचा वो बहुत हेल्दी होता है तो वाई वेस्ट है। तो बस यहाँ पे उस इसको क्या करते हैं ना, बस ये सिंपल ही है, मतलब थोड़ा हेल्दी बनाने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि क्योंकि गौतम का ना लौकी वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है। और लौकी का ऐसा जो टेक्सचर आता है ना क्या बोलते हैं मतलब मुंह में ऐसा टेक्सचर आता है ना उसका ऐसा, तो अच्छा लगता है। तो वही मैंने सोचा चलो आज इस तरीके से पराठे बना। देखिए सारी लौकी मैंने ले ली है, और इसी में जो है अपना आटा गूंथ लेंगे। तो ये जो लौकी का जो थ्रेड थ्रेड टाइप टेक्सचर होता है ना वो आटे में मतलब पराठे में आता है, तो बहुत यम्मी लगता है। ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने आटा लगा लिया है, लौकी को पीस के इसमें आटा लगा लिया है। और लौकी के अंदर से लच्छा भी आएगा जब हम खाते हैं ना लौकी का पराठा, तो बीच बीच में लच्छा आता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए बॉईल हो रहा है कॉफ़ी के लिए, जो बॉईल हो गया है। और मैंने दूध का मलाई निकाल लिया है, क्योंकि मुझे मलाई खाना अच्छा नहीं लगता दूध का, लाइक ऐसे मतलब पता नहीं मुझे मलाई और घी ये सब चीज़ें ना ज़्यादा पसंद नहीं आती। बचपन में भी मैं जब छोटी थी ना तो मम्मी ऐसे दाल वगैरह देती थी, या फिर खिचड़ी वगैरह बनाती थी ऊपर से घी डालती थी ना, तो मैं नहीं खाती थी, मुझे पता नहीं घी का स्मेल अच्छा नहीं लगता शुरू से ही। मासी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, और ये है अपना छोटू कॉफ़ी मेकर, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। कल अगर मैं वीडियो बनाती ना तो मैं इतनी ख़राब मतलब इतनी ख़राब दिख रही होती, आप लोग मुझे देखना भी नहीं चाहते। देखिए ये गई अपनी मासी कॉफ़ी बन गई, इसको बस मिक्स कर लेता। और ना मुझे कल एक्चुअली अच्छे से उसको मिक्स कर लेते हैं। कल ना मुझे दो ब्रांड कोलेबोरेशन के लिए आया था ईमेल एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने खुद से पता है प्लेज ली है। मैं कभी भी मेरा चैनल तो भी बहुत ही बेबी है, बहुत ही बेबी, और दोनों न्यूयॉर्क की लोकल कंपनीज ही हैं, दो या तीन आए थे मैंने ध्यान से देखा भी नहीं है। बट मैंने खुद से एक प्लेज लिया है कि जो है मेरा चैनल छोटा हो बड़ा हो किसी भी साइज का हो, ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करूँगी। देयर इज़ ओनली वन सिचुएशन कि मैं ब्रांड कोलैबोरेशन करूँगी, अगर मुझे लगता है उससे आपको या फिर मुझे या फिर इन जनरल किसी भी पर्सन को ना रियल बेनिफिट हो तभी मैं करूँगी। मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स देखती हूँ ना, ये क्रीम वो प्रोडक्ट, ये शैम्पू वो शैम्पू, मीसो फीशो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बट मेरा प्रिंसिपल ऐसा है बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हो राइट, और मैं आप लोगों का एक पैसा गलत चीज़ में कभी भी आपको नहीं बोलूँगी कि आप अपना मेहनत का एक एक रुपया जो होता है ना बहुत ही प्रेशियस होता है। इसलिए आपने देखा होगा मैं अननेसेसरी और नॉट रिक्वायर्ड शॉपिंग भी नहीं करती, पहले करती थी जब मैं बहुत ही छोटी थी बेवकूफ़ थी, तो उससे आपको सच में बेनिफिट हो सकता है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी। बट ऐसे कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन मेरे थ्रू करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल,
देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉग जो रेडी रहते कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड को ब्रांड प्रमोशन करने के लिए, बट नॉट विथ मी. मेरा कुछ है कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स जिसके अगेंस्ट मैं कभी नहीं जाऊँगी. पर यूज़ करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा. क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी याद है, मैं जब एज ऑडियंस वॉच करती थी ब्लॉगर्स को, आई यूज़ टू गेट रियली इरिटेटेड बिकॉज आई यूज़ टू वॉच देम फॉर यू नो फॉर बिकॉज दे शेयर्ड अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ विच एक्चुअली गिव मी पीस और यू नो होमलीनेस वॉट एवर इट इज. तो मैं उसके लिए देखती थी एंड वॉट आई यूज़ टू हैपन, 10 मिनट वीडियो रन हुआ, 11वें मिनट चालू हो जाता था ये प्रोडक्ट और ये क्रीम यूज़ करें. एंड आई यूज़ टू रियली गेट अनॉयड. आई वॉज लाइक, ब्रो आई एम नॉट वॉचिंग योर चैनल फॉर दिस. ओके, आई हैव माई ब्रेन्स, मेरे को पता है कौन सा प्रोडक्ट और क्रीम यूज़ करना है. सो प्लीज़, मतलब मेरा ये है, ये थॉट है. सो आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू लेट यू शेयर कि हाँ, मतलब आप लोग भी एज ऑडियंस अगर आप कोई ब्लॉगर्स को देखते हैं, देन ब्लाइंडली कुछ भी मत खरीदिए. इफ़ दैट प्रोडक्ट और स्टफ इज यूजफुल टू यू इन सम वे और द अदर, देन ओनली बाय इट. एनीवे, मैं बातें बहुत करती हूँ. जीरा सौंफ भी डालूंगी, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है सौंफ डालने से. इसमें अदरक मिर्ची हल्दी का ये डाल देंगे. कोरिएंडर भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने पूरा एक गोभी लिया है ना, तो इसलिए मैं कोरिएंडर ज़्यादा ही डाल दूँगी. अच्छे से फ्राई होने देते हैं. सारा गोभी डाल देंगे धीरे धीरे करके. गोभी में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो जब पराठे फिल करेंगे ना, तो हो सकता है पराठे अपनी ये मसाला वो गोभी वो भी डाल देते हैं. और सभी को मिक्स कर देते हैं. इसीलिए मैंने दे आपने नोटिस किया होगा कोरिएंडर ज़्यादा डाला था, बिकॉज गोभी एक फुल गोभी को मैंने ग्रेट कर लिए थी, तो इसीलिए. नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि जो गोभी है ना अपना जितना भी मॉइस्चर है रिलीज़ कर दे, क्योंकि बाद में ऐड करूँगी ना, फिर नमक जो है अलग से परा इसको इस मिक्सचर को सौगी बना देगा. तो छोटी थी ना, तो मुझे याद है कि मेरे स्कूल में जो भी पंजाबी फ्रेंड्स होते थे, हर हमेशा कुछ ना कुछ पराठा ज़रूर लाते थे, कभी गोभी का, कभी आलू का. और मेरी मम्मी जो पराठा बनाती है ना, उसमें नॉर्मल स्टफिंग नहीं करती, वो सब कुछ यू नो आटे में मिक्स कर देती है. और मुझे ना इस टाइप का पसंद है जो अंदर स्टफ करके बनाते हैं, वो मुझे ज़्यादा यम्मी लगता है. तो बस मैं उनका ना लंच लेके बैठ जाती थी और बोलती थी कि दीदी मुझे अपना लंच दे दो, मेरा वाला लंच दे दो. होता है ना, इंसान को अपना खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तो वही मेरे साथ भी होता था. बस यार थोड़ा टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करने में, बस ये कुक हो जाएगा अच्छे से. और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. मस्त आज बस गोभी के पराठे विद हेल्दी ये लौकी का आटा. यहाँ पे देखिए अपना मस्त सा जो है मसाला रेडी हो गया है गोभी वाला. तो अभी इसको साइड में बस ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम जो है यहाँ पे अपना खट्टा मीठा प्याज टमाटर का चटनी बनाएंगे आज. देखिए अपना मिर्ची और प्याज और जीरा सब कुछ फ्राई हो रहा है, क्योंकि थोड़ी खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी बनेगी ना, तो मिर्ची मैंने ज़्यादा ही ली है, और ऐसे भी मैं मिर्ची ज़्यादा ही खा रही. यहाँ पे जो है ना प्याज में पूरा नहीं फ्राई कर रही हूँ, अराउंड 20-30% ही, और जो 20-30% प्याज कुक हो जाएगा, फिर इसमें हम अपना टमाटर डाल देंगे, सारा लाल लाल टमाटर. और इसमें कुछ हल्दी वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि ये चटनी जितना लाल होता है ना, उतना ज़्यादा यम्मी लगता है. और बस ये तो रख लेते हैं. है सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर कर देंगे, और कुक होने देंगे कुछ टाइम के लिए. इतना मस्त टमाटर कितने अच्छे से कुक हो रहा है, और इसमें मैंने कुछ भी हल्दी इसे नहीं डाला था, क्योंकि फिर टमाटर का ना
वो जो कलर होता है वो सबसाइड हो जाता है, तो बस उसी में हल्दी नहीं डाली थी, और हल्दी तो ऐसे पराठे में गया ही है, बस ये अच्छे से कुक हो जाए। अभी इसमें हम थोड़ा सा बस ब्राउन शुगर डाल देंगे, आप चाहे तो गुड़ या जो भी आपको मिलता है, बस जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, मैं तो मोस्टली ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला और थोड़ा सा बस जो है लेमन स्क्वीज कर देंगे इसमें। स्टफ कर देते हैं बंद, और ये देखिए अपनी खट्टी मीठी सी चटनी रेडी हो गई। शुगर डालना आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन शुगर डालने से ना थोड़ा इसका स्पाइसी सा टेस्ट आता है, मतलब खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। गौतम के आने का समय हो गया है, मैं सोच रही हूँ ना फटाफट से जो है पराठे बना ही लेती हूँ। और पता है आपको, मैं जो ब्रांड एंडोर्समेंट वाली बात बोल रही थी, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपनी तारीफ करवा रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज होता है, मतलब हम लोग में से बहुत लोग नहीं बोलते हैं, उनको बहुत चीज़ें नहीं पता होती है। एंड ट्रस्ट मी, कंपनीज पे करती है, काफ़ी ज़्यादा पे करती है ब्लॉगर्स को इंडोर्स करने के लिए, इतना पे करती है कि जितना आपका यूट्यूब का मंथली इनकम नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा आप इंडोर्समेंट्स वगैरह करोगे ना तो उससे ज़्यादा आपको 4 times अर्निंग हो सकती है ना। कि हम लोग क्या करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोग का होता है, जैसे उनका यूट्यूब होता है कि नो दे वॉन्ट टू मेक मनी फ्रॉम इट फ्रॉम ऑल सेंसेस, देन वो है ड्रीम है ना, वन डे लाइक मेरा खुद का कुछ हो छोटा या बड़ा, आई रियली डोंट वांट टू कीप वर्किंग फॉर अदर्स। तो बस देखिए यहाँ पे अपना पहला पराठा जो है चला गया है, फट गया क्योंकि वो पूरा स्मूथ नहीं बन पाया था। पलट देते हैं। हम बोल रहे थे कि उनको ज़्यादा ऑयल वाला नहीं खाना, तो मैं बहुत कम ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। क्रिस्पी सा रेड सा रेडी हो गया है। ये देखिए अपना फर्स्ट पराठा जो है रेडी हो गया है, यम्मी वाला, इतना टेस्टी लग रहा है ना। बस इसको यहाँ प्लेट में रख देते हैं कि हम दूसरा पराठा भी फिल कर ही लेते हैं। थोड़ा स्टफिंग कम डालूंगी क्योंकि फट रहा है पराठा काफ़ी ज़्यादा, कम डालूंगी। ये देखिए दूसरा पराठा, बैठी हुई थी ना, किचन का काम नहीं कर रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे ठंडी टाइप की लग रही थी, और अभी जब किचन का काम कर रही हूँ तो इतनी गर्मी लग रही है, माई गॉड। किचन में घुसते ही ऐसा लगता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है फर्नेस में घुस गए, ओवन के अंदर बैठे ऐसा फील होता है। मैं पराठे सेक लूँगी, रख दूँगी, गौतम अभी आ ही जाएंगे 10-15 मिनट में, बोल रहे थे थोड़ा लेट हो जाएगा मेरे को, तो बस उसके बाद गौतम को खाना खिला के मैं चली जाऊँगी वॉक पे। ये देखिए अपना दूसरा वाला पराठा भी मस्त रेडी हो गया है। चटनी है दही, कल ग्रोसरी में आएगा दही, 2 बार से भूल जा रहा हूँ। ले जाओ, कहाँ खाओगे? अरे जमीन पे नहीं खाओ, खिड़की के पास खाओ ना, कितना अच्छा हवा आ रहा है, हम खिड़की के पास बैठो ताजा ताजा हवा आ रहा है, सूखा हुआ पेड़। आई हम पेड़ नहीं सुखाया, खुद से सूख गया, हम रोज पेड़ में पानी डालते हैं फिर भी सूख गया, तुम क्या करो? जीप दिखते हैं। खाना इतना बेकार होता है, कुछ मत देखो, कवर में लौकी, अंदर है गोभी, ये मेरा इनोवेटिव रेसिपी है, ऐसा इनोवेशन, इसमें पूरा एक लौकी पीस के डाला हुआ है, हाँ मीडियम साइज का, और अंदर गोभी का बेनिफिट्स गया हुआ है, ऐसा हेल्दी खाना दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं, पैसा दोगे तब भी नहीं मिलेगा। देखो कितना अच्छा स्टफिंग हुआ है, मज़ेदार गोभी का पराठा का मज़ेदार वाला स्टफिंग,
बहुत ही अच्छा पराठा ऐसे भी टेस्टी लगता है जब वो पराठे में स्टफ हो जाता है ना, तो वो भी और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत यही है आते हैं बाहर से घूम के, तो पता चलना चाहिए ना कि तानिया सिंह कितनी गंदी लड़की है। ऑलरेडी सबको पता होगा हम बहुत गंदे हैं, पता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हम निकल चुके हैं ऐसे ही वॉक पे, सिटी तो नहीं जाऊँगी, मेरा फेवरेट आइलैंड, वहाँ पे से पानी बिल्डिंग सब दिखती है एंड दैट्स लाइक अ परफेक्ट प्लेस जहाँ इंसान खुद को रिलीफ कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू कैंप, मैं जब भी पता नहीं यहाँ पे आती हूँ, पिछले बार भी आई थी बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, आई एम नॉट श्योर ये बारिश कब तक होगी। मेरा बैड लक इतना अच्छा है, वेदर में कभी भी प्रिडिक्टिंग नहीं होता, रेट का बट स्टार्ट तो नहीं। सो मैंने सोचा कि कुछ योगर्ट ले लेते हैं गौतम के, तो वैराइटीज भी देखें चलती थे आप लोग, बहुत वैराइटीज अपने फैब्रिक सेक्शन में आ गई हूँ जो कि स्नैक्स का सेक्शन। मुझे ना ये टर्कीज बहुत पसंद है, दीज आर लाइक रियली स्पाइसी एंड अच्छा लगता है, फ्लेमिंग हॉट चीटो। चेकआउट करते हैं, घर चल रहे हैं बिकॉज आई जस्ट सॉ इन द मैप्स इट सेज इट्स गोइंग टू रेन फॉर अनदर 2-3 आवर्स। माई बैड लक इज़ जस्ट अमेजिंग नाउ डेज, लाइक रियली इट्स सुपर अमेजिंग। मैं इतना कष्ट करके इतनी दूर आई एंड इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट कैन यू डू। यहाँ पे देखिए पीछे ये, यहाँ पे मैं अपनी लोकल ट्रेन का वेट कर रही हूँ एंड मेरे घर के पास भी आई जस्ट सॉ द वेदर It's going to rain really heavily and I did not carry an umbrella, so I am really not sure घर कैसे जाएंगे। ट्रेन भी आ गई, अभी घर वापस आ गए बिकॉज पूरे दिन सिटी में रोम, मतलब ऐसे रोम किया और टू बी ऑनेस्ट ये लोकल ट्रेन इतनी स्लो चलती है ना, यू रियली वुड जस्ट वॉन्ट टू स्किप दोज ट्रेन्स एंड कम बैक होम एंड राइट नाउ ऑल्सो इट्स ड्रिजलिंग, थोड़ा बहुत तो ड्रिजल हो ही रहा है, विच इज़ दैट आई एम वॉकिंग बैक होम और घर जाके अभी बस यू नो अच्छी सी नींद लूँगी। बस यही था आज का मेरा सिंपल सा नॉट सो हैपनिंग सा व्लॉग, सो आई होप करके आपने इन्जॉय की होगी। और अभी हम पहुँच चुके हैं घर, बस मुझे रोड क्रॉस करना है, तो आई होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए और वॉक साइन ऑलरेडी ऑन है, सो लेट मी क्रॉस द रोड।